वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतनाम सिंह। और आज हम फिर आ चुके हैं एक बार न्यू टाउन में। तो न्यू टाउन में आ गया हूँ भाई से मिलने, उसने अपनी न्यू बाइक ली है, तो बाइक की भी राइड हो जाएगी, मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा। और अक्सर उसके ब्लॉग में मुझे आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस बार मेरे ब्लॉग में आप उसे देखेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, क्योंकि उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे फ्रेंड फॉलोइंग्स है, लव फ्रेंड फॉलोइंग है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो अभी वो न्यू टाउन में आ गया है, मैं उसे ढूंढता हूँ वो कहाँ पे है, तो हम जल्दी से देखते हैं वो कहाँ पे है, मस्ती करेंगे। ये कल हम मिले हैं और कल हमारा प्लान हुआ कि हम एक बाइक पे वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब में डालेंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो देखते हैं वो कहाँ पे है अभी। तो वैसे आज बहुत ही शानदार दिन था और सामने है कैफे कांते, जहाँ पे अक्सर हम बैठकर चाय पीते हैं। तो भाई यहाँ पे ही है, तो मिलते हैं हम इनसे। तो जैसे कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, तो ये रहे गुलाम। hey guys, मेरा नाम गुलाम है, आप अगर नहीं जानते। तो जैसे मैंने बोला कि इसके ब्लॉग में मेरे को देखा होगा, लेकिन पहली बार है कि मेरे ब्लॉग में आप गुलाम को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। हाँ, तो इधर इधर बाकी। तो गाइस, अब सीन ये ना कि मैं भी ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ और हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि सन सेट हो रहा है। और आज का जो मेरा ब्लॉग होगा, जैसे आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा, तो वो जो बाइक दिख रहा है वो काला वाला, वो मेरा नया बाइक है, तो उसके ऊपर आज वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए पाजी, तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, मैं तो यही बोलूँगा, मतलब पाजी इतना टैलेंटेड है ना कि इनको सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो साथ में रहे, हम आ जाते हैं बाइक की राइड करेंगे अभी। तो इधर का जो ब्लॉग है वो चालू हो गया है, फिलहाल अभी शूट करेंगे पूरा ब्लॉग इधर से। तो हम जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाते हैं कि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है यहाँ पे। तो ये रही बाइक। बाइक के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो ये R3 बाइक है, ब्यूटीफुल कलर है इसका। तो बाकी जो भी डिटेल्स है सारी गुलामी आपको बताएगा इस बाइक के बारे में। तो अभी इसका नंबर प्लेट भी नहीं आया है, सारे पेपर वगैरह डाल दिए हैं, नंबर प्लेट आ जाएगा कुछ दिन में। ये रहा वीडियो। ये लेंस को क्या हो गया? पुश एंड होल्ड द लेंस स्विच। मैं चलाऊंगा कैसे? पकड़ तो देखता एक बार, देखना खाली तू। हाँ, मैं वो समझ गया, ये यहाँ करना है। ओके ओके, छोड़ छोड़ से मैं कर रहा हूँ। कितना ज्यादा कर दिया। तो ये रहे तेरा बाइक राइड। अब मेरा हो गया पूरा हिल हिल के हालत खराब। तो ये रहा नव होटल कोलकाता, बहुत ही शानदार।
और ये रहा आज का जो हमारा फोकस था पूरा बाइक का है, तो बहुत ही सही है, राइड काफ़ी अच्छी है इसकी। वैसे मैं कल भी इस पर बैठा तो मेरे तो पूरे होश उड़ गए कल बैठ के, पीछे काफ़ी ज़ोर चला रहा था। सही है, तो विल गिव यू अ कंप्लीट टूर ऑफ अ बाइक। मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है बाइक के बारे, बट तूने जो बताया इट रियली सेक्सी, सही है। हाँ, तू झटका मारेगा ना पीछे कोई गिर जाएगा, पता है तो तभी। तूने कितना चलाया टोटल? नहीं चलाया अभी, मीटर लगाई नहीं है अभी। तो मीटर लगाया, ठीक बोला, अभी तो लगा ही नहीं है। सही है, सही है। तो इधर गुलाम शूट कर रहे हैं, इधर चल रहा है पूरा, अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ इस एरिया में पूरा, अभी इधर हम लोग बाइक चलाएंगे इस तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो जिसके पास ये बाइक है वो ही जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा है। पीछे 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 की जो सीट है आप देख रहे हैं तो काफ़ी ऊँची है, और मैं काफ़ी लंबा हूँ तो मैं काफ़ी लग रहा हूँ बहुत ऊपर जैसे बैठा हूँ, तो बहुत ही सॉलिड पीछे का जो सॉलिड बाइक है पीछे में। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, आप पकड़ नहीं सकते इसको पीछे कैसे भी, यू हैव टू बी वेरी सेफ्टी वेल सिटिंग। तो जो बीच की जो सीट है वो बहुत ही नीचे है, करीब करीबन 6-7 इंच नीचे है ऊपर वाली सीट से, तो इट्स रियली गुड जो बाइक चला रहा है उसके लिए। इसको कुछ चेंज किया गया मॉडल में, इसके मॉडल में कुछ चेंज किया है? तो अभी देखें, नंबर प्लेट भी नहीं आया, नंबर प्लेट भी आ जाएगा इसका तो और अच्छा लगेगा देखने से, काफ़ी शानदार है। और धीरे धीरे लाइट भी कम होती जा रही है, पीछे गुलाम लगे हुए हैं पूरा शूट कर रहे हैं। सही है, देखते रहे वीडियो। तो ये रहा इसका तो जो साउंड है इसका। अब गाइस मैं आपको साउंड का टूर देने वाला हूँ, मतलब इसका साउंड ऐसा है ना, मैं देखा हूँ अक्सर क्या होता है कि आप वीडियो में जब आप अपने फ़ोन में देखेंगे ये वीडियो तो आपको साउंड का वो फील नहीं आता है। अब जब रियल में आपको बता रहा हूँ क्या होता है ना, ये बाइक में बेस वाला साउंड है, जैसे कि थोड़ा वाइब्रेट करता है बेस वाला, KTM में टू 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 होता है ना, वैसा वाला नहीं है, बेस वाला है। तो मैं फ्यूचर में सोचा हूँ, डेफिनेटली आपको पता है बाइक का शौकीन हो तो मैं इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगाऊंगा, एक्रापोविक का मेरा है सीन है, तो वो मैं अभी थोड़ा इसको चला लेता हूँ, फिर उसके बाद एक दो महीना बाद मैं एग्जॉस्ट चेंज कर दूंगा, उसके बाद तो साउंड मसाला और उमदा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। करेगा डर जाएगा और गाइस एक चीज आदमी डर जाएगा गाइस एक चीज और है कि अगर रास्ते से ये बाइक जाता है ना तो 2-3 आदमी तो पलट के देखता ही देखता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, उससे थोड़ा पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप लोग बाइकर हो राइडर हो तो आप लोग को समझ में आता होगा। और जैसे पहले जिक्सर से जाता था कोई नोटिस नहीं करता था, अब क्या सीन है कि सब कोई नोटिस करता है, ब्लॉगर जा रहा है, कूल फील होता है, ब्लॉगर जा रहा है। और गाइस जब इसमें एग्जॉस्ट लगा लूँगा तो और ज़्यादा ही साउंड आएगा। और ये ट्विन सिलेंडर है तो इसमें ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता ना कि लड़का सब क्या करता है आजकल के टाइम पे, KTM हो गया या पल्सर हो गया या कोई भी जो 200-300 cc का गाड़ी है जो सिंगल सिलेंडर है तो उसमें एग्जॉस्ट लगाता है, बट वो एग्जॉस्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो अजीब सा टाइप का साउंड देता है, मतलब जिसे वो नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको, फटफटी, जिसमें अंकल लोग सब्जी वगैरह कैरी करते हैं तो वैसे ही साउंड आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये हो गया या निंजा 300 हो गया, तो उसमें ट्विन सिलेंडर है तो इसमें क्या होता है ना कि नेचुरली साउंड अच्छा होता है, जैसे कि आपका बेनेली 300 TNT 300 है या TNT 500 है, उसमें भी वो भी ट्विन सिलेंडर है, तो ट्विन सिलेंडर में सिंगल सिलेंडर से ज़्यादा साउंड अच्छा आता है। तो उसमें आप अगर मैं इस बाइक में एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो नेचुरली एक अच्छा साउंड आएगा। और अभी का टाइम में जो होता है ना कि फोर्सफुली साउंड होता है, जो आजकल का नौजवान आजकल का जो यूथ है तो उस टाइप का साउंड नहीं, बट अच्छा वाला, उतना भी लाउड नहीं होगा बट सेक्सी सा साउंड होगा जो कि मेरे को चाहिए था, ज़्यादा लाउड भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा अच्छा साउंड चाहिए मेरे को, और जिसमें बेस हो, हायाबुसा टाइप, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो वही गाइस, अब मैं थोड़ा सा वहाँ से एक बार घुमा के आता हूँ, आप पाजी आप रिकॉर्ड करो। तो ये गए राइड पे, काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा लगा पीछे बैठ के, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को सीट ऊंचा लगा उसका, लेकिन शानदार है उसका साउंड का भी, साउंड भी बहुत अच्छा है उसका।
तो ये गई बाइक, साउंड जो उसकी बहुत अच्छी दी रखी है इस बार इन्होंने। तो रहा झट से पार हो गया, इतनी दूर चला गया, समझ में नहीं आता कौन गया। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सामने का लुक बहुत सेक्सी है इसका। तो अभी हम जाएंगे न्यू टाउन, न्यू टाउन में हम पियेंगे कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी कल पिया, चाय पीते हैं। हाँ चलिए चाय आपको हम पिलाते हैं यहाँ पर, चाहिए तो चाय। तो मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं होगा, मेरे व्लॉग में अभी चाय आएगी, तो मेरा हमेशा व्लॉग में चाय रहती है क्योंकि मैंने चाय से ही शुरुआत की है व्लॉग के लिए। लीजिए ना एक, मतलब उसको उस साइड से, ताकि पूरा बैकग्राउंड भी सेक्सी लगे। तो बैकग्राउंड तो नव वाटर वाला अच्छा था, तो इधर कर दे क्या गाड़ी। हाँ इधर करना गाड़ी, तो हम इधर से लेते हैं फोटो, तो खींच मेरी फोटो। आज कॉफी, नेक्स्ट टाइम सिर्फ ब्लॉग बना लो चाय का। तो सही था राइड आज का, शानदार था राइड। नहीं आ रहा है इधर, सब आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए बाइक राइड। शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मजे करो, गुड नाइट। तो कल फिर मिलते हैं, कल मेरा शिफ्ट है, मैं शाम को इवनिंग में छुप, इस समय फ्री हूँ मैं, कॉल कर देगा मैं, ठीक है चल मिलते हैं। कर तू कर भाग। तो ये रही सारे दिन की आज जो मस्ती थी, वो हमने बाइक राइड पे की, बाइक राइड की एक वीडियो भी बनाई हमने, जल्द हम ये वीडियो डालेंगे, मधु भी डालेगा वीडियो, हम भी डालेंगे वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।